हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में जी हाँ दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट आकर निकल रहा है यू स्कॉलरशिप 2024 को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल है उनमें से एक सवाल ये है कि अभी तक हमारा स्टेटस क्यों अपडेट नहीं हुआ सबसे मेन सवाल यही है कि आपका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं क्यों नहीं हुआ आप लोग के मन में यही क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा होगा आपको मैं बता दूं आज है बारह फरवरी आज है बारह फरवरी आपका जो करेक्शन डेट रखा गया है बारह से पंद्रह फरवरी वो आज से शुरू हो रहा है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे हमारे स्कॉलरशिप में क्या गलत है जिसके वजह से हम क्या करेक्शन करें आपको मन में यही सारा डाउट चल रहा है तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन आपका आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे और आपके जो भी मन में डाउट है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि आपका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ करेक्शन आप कैसे करेंगे बहुत सारे आपके मन में डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और आइए हम चलते हैं बात करते हैं आपको यहाँ पे नोटिस दिख रहा होगा आपको जो नोटिस निकाला गया था यूपी स्कॉलरशिप के तरफ से कि आपको करेक्शन करने की डेट क्या रखी गई थी करेक्शन डेट करने की 12 फरवरी से पंद्रह फरवरी के बीच में रखी गई थी और आपका लास्ट डेट क्या था सत्रह सत्रह जनवरी लास्ट डेट था आपके कॉलेज में सबमिट करने का तो लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ एसटी और एससी के जो छात्र हैं यस और यस के जो छात्र उनके के लिए जो सेकेंड चरण मिला है वो अलग है उनके के लिए अलग अपडेट आएगा लेकिन जो ओ और जनरल के स्टूडेंट हैं और एस टी वाले वो स्टूडेंट हैं जो जनवरी तक मतलब इकतीस दिसंबर 2023 तक फॉर्म फिल कर लिए थे वो करेक्शन कर सकते हैं लेकिन जनरल और ओ वाले जो भी पूरे स्टूडेंट हैं चाहे बी ए वी ए बी एड डी एल एड बी टेक पॉलिटेक्निक जो भी स्टूडेंट है वो आप करेक्शन बारह से पंद्रह फरवरी के बीच में ही करेंगे तो आपको मैं बता दूं स्टेटस स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है आपका आपका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो आप घबराए नहीं आप घबराए नहीं आपको करेक्शन करने के लिए पूरी टाइम दिया जाएगा अगर आपका स्टेटस इस इसके बीच में नहीं अपडेट होता है अगर इसके बीच में नहीं अपडेट होता है तो आपको एक अलग डेट आएगी हंड्रेड परसेंट एक अलग डेट आएगी बढ़कर आएगी डेट करेक्शन करने के लिए आप घबराए नहीं तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा और मैं आपको एक अपडेट मिल रहा है यहाँ पे कि बारह आज है बारह फरवरी और यहाँ से आपका आज स्टेटस बहुत से लोगों का अपडेट होने वाला है अभी तक मतलब इसके पहले एक एक दो लोग का हुआ है एक दो लोग का अपडेट हुआ है सौ में से लेकिन आपको मैं बता दूं बारह फरवरी बारह से तेरह फरवरी ये दो दिनों में नब्बे परसेंट स्टेटस अपडेट होने वाला है ये अपडेट हमको मिला है बारह से तेरह फरवरी के ते बीच में नब्बे परसेंट स्टेटस अपडेट होने वाला है और आपको मैं बता दूँ कि अगर आपका कोई भी कुछ भी गलत रहता है चाहे मार्क्स मार्क्स मिसमैच होता है चाहे अटेंडेंस से रिलेटेड होता है जो भी कुछ आपका गलत रहेगा आपके स्टेटस में अपडेट शो हो जाएगा अगर आपको देखिए अगर आपका अटेंडेंस अगर आपका जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज़ मैंने यहाँ पे और नोटिस किया है कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है अगर कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ तो ये अपने आप कॉलेज से संपर्क करिए इसमें कॉलेज की आपकी पूरी तरह से लापरवाही है आप अपने कॉलेज से बात कर सकते हैं इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता अगर कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं है तो आप कॉलेज से ही बात करेंगे देखिए सबसे पहले बात अटेंडेंस की हम बात करते हैं अटेंडेंस का बहुत से लोगों का मतलब फॉरवर्ड हुआ है लेकिन अटेंडेंस कम है अगर आपका अटेंडेंस पचहत्तर परसेंट से कम है अगर आपका अटेंडेंस पचहत्तर परसेंट से कम है तब तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आ सकता है लेकिन आपके एक मन में एक डाउट हो गया क्या सर हम करेक्शन कर सकते हैं अटेंडेंस में जी हाँ आप अटेंडेंस में भी करेक्शन कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कैसे करेंगे देखिए क्या करेंगे जब करेक्शन आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी करेक्शन कर दीजिएगा कुछ भी आप एडिट कर दीजिएगा आप जो भी चीज़ एडिट होंगे आप उसे इडिट करके सबमिट कर दीजिएगा करेक्शन टाइम में तब आप उसे जो भी आपका हार्ड कॉपी निकालेंगे उसे ले जाकर कॉलेज में सबमिट करेंगे कॉलेज में सबमिट करने की डेट क्या रखी गई है अगर आप अगर बारह से पंद्रह फरवरी के बीच में करेक्शन करते हैं तो आप सत्रह फरवरी तक कॉलेज में जमा करेंगे तो सत्रह फरवरी तक आप कॉलेज में जमा कर देंगे और कॉलेज से थोड़ा रिक्वेस्ट कर देंगे कि सर हमारा अटेंडेंस बढ़ा दीजिए नहीं तो हमारा स्कॉलरशिप नहीं आ गया हम आर्थिक रूप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो सर प्लीज़ हमारा हेल्प कर दीजिए हम गरीब हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तो आप इस तरह कर देंगे शायद हो सकता है यही एक आपका रास्ता है अटेंडेंस वालों के लिए और दूसरा दूसरी बात ये मार्क्स मार्क्स अगर आपका मिसमैच है मार्क्स अगर मिसमैच आता है तब तब भी आप क्या करेंगे अगर आपने सब कुछ सही फील किया है सब कुछ सही फील किया तो आप क्या करेंगे फिर से वही फ़ील करके फिर सबमिट करके आप कॉलेज में दे, दे देंगे कह देंगे सर आपने सही फॉरवर्ड नहीं किया है कृपया फिर से इसे सही फॉरवर्ड करें और मार्क्स भी आपका शायद सही हो जाए ठीक तो आपको क्या करना है यहाँ पे अगर जिनका भी स्टेटस यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट करें एक दो दिन का और पंद्रह फरवरी एक दिन में ही करेक्शन आप कर सकते हैं और क्या क्या करेक्शन हो सकता है अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आज शाम तक मिल जाएगा नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाऊँगा कि पिछले साल क्या क्या करेक्शन हुआ था और उसी तरह ठीक इस बार भी करेक्शन होने वाला है तो आपको मैं बता दूँ क्या क्या करेक्शन होगा नीचे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और रही बात आपके ये सत्रह फरवरी तक आप अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे स्कूटनी स्कूटनी आपका चला एन आई एन आई सी के द्वारा स्कूटनी होगी आपकी फॉर्म की 19 फरवरी से 26 फरवरी तक उसके बाद 12 मार्च तक आपका जो डाटा लॉक कर दिया जाएगा लॉक करने के बाद आपको फाइनल आपको जो धनराशि आपको दी जाएगी मार्च के लास्ट तक 22 यहां पे 22 मार्च दिया गया लेकिन मैं पूरे मार्च मा, मार्च माह को मानता हूँ तो बाईस मार्च तक आपकी धनराशि आ सकती है तो ये रहे जानकारी आपके आपके लिए स्टेटस अपडेट होने के लिए अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम